सीमा भारत माता की जय करती, हिंदुस्तान जिंदाबाद करती, तो सब देख सीमा भारत में आई, सीमा पीसी रिमांड हुआ, सीमा के खिलाफ केस हुआ, सीमा जेल गई। कल रात सुना कि मेरे बच्चे बहुत तकलीफ में हैं, फरहान खान का भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे बच्चों का ये दुश्मन है, मेरे को खतरा है, बच्चों को खतरा है एपी सिंह से और सीमा से, मेरे को बच्चों से प्यार है, बच्चों का बाप हूँ मैं, बच्चों का मुस्तकबिल हूँ, हर तरीके से जाऊँगा कानून की। और वहाँ बैठ के बकवास कर रहे हैं, वो बैठ के खुद को फंसा रहे हैं और किसी के कहने पे, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। सीमा अपनी बदनामी कर रहा है, अपने मुल्क की और अपनी ज्यादा से ज्यादा बदनामी कर रहे हैं, ताकि मुझे हिंदुस्तान के लोग रहने दें। साथी हैं एपी सिंह, इनके मुंह मिट्टी से भर जाएगा, उनके काम पे तो टांग रहे हैं, मगर अल्लाह पाक उनको ना जीने देगा ना मरने देगा, इतना जलील और ख्वार होंगे ना एपी सिंह, जो है अल्लाह करे उसके साथ भी ऐसा नतीजा शायद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब होगी गुलाम हैदर साहब की अपने बच्चों से बात। सीमा ने फिर कर दी सारी बेशर्मी की हदें पार। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से सीमा भगोड़ी को किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा गुलाम हैदर साहब के नए लाइव इंटरव्यू के बारे में और सीमा भगोड़ी के अय्याशी के कारनामों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप ये बात जानती होगी कि ये सीमा भगोड़ी गुलाम हैदर साहब को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, और ये सब आपने इस वीडियो के शुरू में देख ही लिया होगा कि यह औरत किस तरह से गुलाम हैदर साहब का मजाक बना रही है एक इंटरव्यू के अंदर। जी दोस्तों, मुझको ये सोचकर बहुत अफसोस होता है कि ये बेशरम औरत कितनी बड़ी वाली नमक हराम औरत है। इस भगोड़ी ने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। दोस्तों, मुझको ये देखकर बहुत अफसोस होता है कि जो लोग इस सीमा भगोड़ी को सोशल मीडिया पर सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को इसकी अय्याशी बेशर्मी नज़र नहीं आती। इस औरत ने दो चार बातें बोल दिया तो क्या ये औरत सच्ची हो जाएगी? नहीं मेरे दोस्तों, ये औरत किसी भी धर्म की सगी नहीं होगी। मैंने आज तक इससे बड़ी वाली बेशर्म औरत कहीं नहीं देखी। दोस्तों, आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ इस सीमा भगोड़ी से। सीमा, तो हमारे देश हिंदुस्तान के अंदर रहने के लायक है ही नहीं, क्योंकि तू एक पल भी हमारे देश के अंदर नचनिया अच्छी नहीं लगती, क्योंकि तू हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाने का काम कर रही है। जी हाँ दोस्तों, ये औरत अपनी अय्याशी के लिए बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। मेरे दोस्तों, एक बार फिर से गुलाम हैदर साहब का एक लाइव इंटरव्यू आया है, जिसमें गुलाम हैदर साहब ने ये बताया है कि यह अय्याश औरत सीमा उनके साथ अब कौन सी गंदी हरकत कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आज आपको इस इंटरव्यू में ये पता चल जाएगा कि गुलाम हैदर साहब कब इंडिया को आ रहे हैं। जी दोस्तों, ये इंटरव्यू अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, मगर दोस्तों गुलाम हैदर साहब का ये इंटरव्यू दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा आखिर तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करता हूँ। मैंने कल रात सुना कि मेरे बच्चे बहुत तकलीफ में हैं, फरहान खान का भी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पता है एपी सिंह और सीमा मेरे बच्चों का ये दुश्मन है, मेरे को खतरा है, बच्चों को खतरा है एपी सिंह से और सीमा से, और नित्रपाल है जो ये चूजा है, क्या इसका नाम है, तो कोई भी नाम है, मुझे तो नाम भी उसका नहीं आता, अल्लाह उसको गर्क करे, मगर वो मेरे बच्चों का दुश्मन है। मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से और ख़ास तौर पर इंडिया के गवर्नमेंट से, मोदी जी से, योगी जी से, मेरे को मेरे बच्चों को एपी सिंह से बहुत खतरा है। खुदारा मेरी बच्चों का जो है हेल्प करें, छोटे हैं, मासूम हैं, 10 साल से कम एज में हैं, खुदारा तो जो है एपी सिंह इनको डराया जा रहा है, सीमा को भी धमकाया जा रहा है, मैं बहुत लोगों से पता चल रहा है कि वो सीमा को बच्चों को ढाल बना के हम बच्चों को ये करेंगे वो करेंगे। एपी सिंह आप बहुत गलत कर रहे हो, जो भी कर रहे हो इसका सजा तो आपको ऊपर वाला देगा ही देगा। जो तमाम भाई बहन व्यूअरों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारा खुदारा सपोर्ट करें, ताकि मेरे बच्चे जल्द से जल्द पाकिस्तान में आएँ, और एपी सिंह एक घटिया जो एडुकेट आपको कहता है, एडुकेट का तो वो काबिल भी नहीं है, हम कहेंगे भी नहीं उसको एडुकेट, ये एक वक्त वक्त पे आता है, कुछ इल्ज़ाम लगाता है, इधर को बच्चों से प्यार नहीं है, मुझे एपी सिंह बच्चों से प्यार नहीं है, क्या तेरे को बच्चों से प्यार है, बच्चों का बाप हूँ मैं, बच्चों का मुस्तकबिल हूँ, हर तरीके से जाऊँगा कानून की, कोई भी अदालत हो हैदर पेश होगा अपने बच्चों के लिए, अदालत का हर कोई दरवाज़ा खटखटाएगा बच्चों के लिए, हर कानून का दरवाज़ा मैं बच्चों के लिए एपी से खटखटाऊंगा, और बच्चे मेरे हैं, कोई भी दुनिया का अदालत मेरे को बच्चों से अलग कर ही नहीं सकता। आप जो भी साजिशें करो, आप तो पकड़ चुके हो, आपके अभी काम पे टांग रहे हैं, आप बिल्कुल बेबुनियाद हो, आपने ऐसी बातें की, सब आपका झूठ पकड़ा गया,
अभी आपके पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ आप क्या कहते हो, आप दुनिया खुद भाई बहन काबिल एहतराम हिंदुस्तान के पाकिस्तान के सब देख रहे हैं कौन सच्चा और कौन झूठा, ये तो दुनिया को पता है। बख्शली भाई आप क्या कहना चाह रहे हो, ये हमारा कजन है बख्शली, आवाज आ जाएगा हम थोड़े। तो हम पहला पैगाम तो सीमा जी को देना चाहते हैं। सीमा जी कह रहे हैं कि वहाँ के लोग जो हैं जकरानी है, अपना क्रिमिनल है, ये है वो है, वो तो सरासर वहाँ बैठ के बकवास कर रहे हैं। हम लोग पुरअमन वाले लोग हैं, हम पूरे दिन शहरों में और बाजारों में घूमने वाले लोग हैं, हम मॉडलिंग लोग हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। वो बैठ के खुद को फंसा रहा है और किसी के कहने पर, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। सीमा ये कुछ मैं आपका बात काट रहा हूँ, तो सीमा अपनी बदनामी कर रहे हैं, अपने मुल्क की और अपनी ज्यादा से ज्यादा बदनामी कर रहे हैं ताकि मुझे हिंदुस्तान के लोग रहने दें। अच्छा, कभी भी सीमा आपको रहने नहीं देंगे। इंडिया के लोग बाशऊर गैरतमंद और बहुत अच्छे लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं। आप पूरा फंस चुके हो, उनको पता है कि सीमा एक गलत औरत है, हम कुछ भाई बहनों को उन्होंने गलत गाइड किया, आज सब पर्दाफाश हो रहा है, आपका असलियत का पता चलेगा बख्शली। ये तो उनको अभी आवाम पूछेगा ना, वो तो खुद को रहना चाहता है, वो बोलेगा तो मैं रहूंगा पुरअमन, अपने रोटी सकून से खाऊंगा। आपको सकून रहना कौन देगा सीमा जी, आप तो पूरे जोर से फंस चुके हो वहाँ जाके, तो हमारे खिलाफ जाके वहाँ क्या क्या बकर रहा है, पता नहीं पाकिस्तान में क्या है, ये है वो है। तू पहले पाकिस्तान में कितना अर्सा गुजरा, पहले तू आजाद था, पहले आया आराम से घूमता था, अब तू कह रहा है मैं फंस गया पाकिस्तान से, मेरे साथ ज्यादती हो रही थी, जुल्म हो रही थी, ये हो रही थी, अब तू फंसा गया, अभी तू बिल्कुल बेबुनियाद झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल बख्शी ऐसा ही है, उसके पास कोई जवाब नहीं है, झूठ पे झूठ कोई एक प्रोपेगंडा चला रहा है, कब तक झूठ है, वो गया वहाँ रह रहे अभी, वो तो पूरे तमाम इंडिया के लोग हैं, भाई बहन भाई शहूर, एक माँ होंगे, बहन होंगे, बेटी होंगे, देखो आप लोग फैसला कर सकते हो कि क्या सच है कौन गलत है। सूर्य वर्मा जी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम लोग भाई बहन जो इंडिया से हमें प्यार करते हैं, बच्चों के लिए इज्जत देते हैं, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम हिंदुस्तान के गवर्नमेंट का जो है, मुझे पूरा अदालतों पर विश्वास है, पूरा यकीन है कि बच्चे मेरे हैं, मेरे लगते जिगर हैं, आजकल मेरे से दूर हैं, मैं कितनी तकलीफ से गुजर रहा हूँ पुरजोर, फिर भी हम पुरअमनी शहरी हैं, अच्छी तरीके से कानून को जानते हैं और अपने कानून के हद में रहकर हम बच्चों को लेके आएंगे। आप भाई बहन हमारा साथ देना, इंशाल्लाह मैं हक पे हूँ, सच पे हूँ, जीत हमेशा हक की होती है। आज मैं तकलीफ में हूँ, मैंने सुना कि फरहान खान का तबीयत ठीक नहीं है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनको सेहतयाब करे, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैं अपने लगते जिगरों को यही कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी परेशान ना होना, आपका बाप पाकिस्तान पहुँच चुका है और जल्द से जल्द आपको इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ऊपर वाली जात पे मुझे पूरा यकीन है, मेरा अल्लाह मेरा साथ देगा और बच्चे मेरे साथ होंगे, मेरे गोद में होंगे। सजन तू और नेत्रपाल जो तुम्हारे जो साथी हैं एपी सिंह, इनके मुंह मिट्टी से भर जाएगा, उनके कांपे तो टांग रहे हैं मगर अल्लाह पाक उनको ना जीने देगा ना मरने देगा, इतना जलील और ख्वार होंगे ना, ये ऊपर वाला देर है अंधेर नहीं है, कहते हैं ना मैं एक बाप हूँ, मेरा भी सुना जाएगा। मैं पाकिस्तान आवाम का और इंडिया के लोग बहन भाइयों का मैं कितना भी शुक्रिया अदा करूँ फिर भी कम है, लोग शुरू से लेकर आज तक हमारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि साथ दे रहे हैं, मैं हक पे हूँ, सच पे हूँ। भाई एपी सिंह जो है अल्लाह करे उसके साथ भी ऐसा नतीजा शायद, हाँ इनकी माँ बहने ना करे यार, हम फिर भी ये कहते हैं कि वो भी एक माँ होंगे, बेटी होंगे, किसी की इज्जत होंगे, अगर एपी सिंह को थोड़ी सी भी हया गैरत और शर्म बाकी भी होता, ये मेरे बच्चों को मेरे से अलग नहीं करता, एक अच्छा एडुकेट होता तो शायद ये नहीं है, शायद इसका परवरिश में कोई मसला है, वो तो दुनिया भर के लोग देख रहे हैं। मगर मैं तमाम लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जीत हमेशा सच की होती है और हक की होती है। सीमा कह रहे हैं कि जो है ना हैदर को यूट्यूब बनाना है, सीमा अगर मुझे यूट्यूब बनाना होता तो वो तेरा धंधा है, तू नाच के बच्चों को खिला सकता है, हम नहीं हर वक्त वीडियो बनाता है, आज मैंने साड़ी खरीदी है, आज मैंने जूते खरीदे हैं, आज मैंने ये, वो तुम्हारा तेरा काम है यार, तुम कब तक बच्चों को नाच के खिला के देगा, हम इंशाल्लाह अपने इज्जत के लिए लड़ेंगे। दोस्तों साथियों, जैसा कि आपने देखा गुलाम हैदर साहब का ये लाइव इंटरव्यू, मुझको पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको ये लाइव इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा। और दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर पता चल गया होगा कि गुलाम हैदर साहब कब इंडिया को आ रहे हैं और गुलाम हैदर साहब की बात बच्चों से क्यों नहीं हो रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।